नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, मुझे पता है आप सबको बेसब्री से राजीव जी की भविष्यवाणियों की याद आ रही होगी, आप सुनना चाहते होंगे। चंद्रचूड़ साहब जाते जाते अपने ऊपर दाग क्यों लगा गए, सोशल मीडिया में ट्रोल क्यों हो गए, ये आज राजीव जी ने विस्तार से बताया है। नरेंद्र मोदी जी कौन सा गुल खिलाने जा रहे हैं और चंद्रचूड़ अपने नौकरी के आखिरी 2 महीने में क्या धमाका करने जा रहे हैं, ये भी आज की चर्चा का विषय है। केजरीवाल की जमानत और उसके पीछे के खेल पे भी हम लोग बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है आज सब आज जो मेरी और राजीव जी की होने जा रही है। आपसे अनुरोध है कि, और मैं हर बार कहता हूं, अगर आपका ज्योतिष में यकीन हो तो प्रोग्राम देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरा ज्योतिष में यकीन है इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने बहुत साल अध्ययन किया है, इसलिए वो ज्योतिषी वाली भविष्यवाणियां किया करते हैं। कुछ सही होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, लेकिन काफी सम्मान है उनका देश और दुनिया में। तो चलते हैं राजीव जी के पास। उससे पहले रिक्वेस्ट ये कि बहुत मन से 4PM म्यूजिक चैनल बनाया, पिछले हफ्ते हमने भगवान गणेश की एक आरती डाली और बहुत लोगों ने उसको सराहा। मैं बंबई गया था, पंकज त्रिपाठी जी जो जाने माने एक्टर हैं उनके घर गया था, उनका, उनकी पत्नी मृदुल जी का भी इस गणेश वाली जो आरती है, जो गीत है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका थैंक यू कहूँगा, बहुत सुंदर है। आप 4PM म्यूजिक पे जाइएगा और गणेश जी वाली जो गीत है वो सुनिएगा, कितना सुंदर चित्रण है, कितनी सुंदर लोकेशन है, कैसा सुंदर गीत गाया है। और वो जो इलाहाबाद वाला लड़का है जो गैरिश पे गाड़ी धोता था, भगवान की ऐसी कृपा हुई हमारे पास, हमारे उनकी कृपा से हम उसके पात्र बने, हमने उसको गाड़ी धोने से लेके बम्बई पहुंचाया, उसके सारे खुलिया बदली गई, कपड़े, बाल कटिंग और सब सब कुछ, बहुत कुछ है। मैं अभी बता दूंगा तो आपकी रोचकता खत्म हो जाएगी। शनिवार को उसका गाना रिलीज कर रहा हूं मैं। आप सोचिए, गाड़ी, लड़का गैरेज पे गाड़ी साफ कर रहा है, उसके बाद बम्बई जा रहा है, उसके बाद बम्बई की यात्रा है, बड़ा सा स्टूडियो है, एक गाना लिखाया जा रहा है, वो गाना शहनवाज का इस शनिवार को रिलीज कर रहे हैं। 4PM म्यूजिक बहुत मन से हमने बनाया है, गरीब बच्चों को जो कुछ नहीं कर सकते, कोई शिक्षा चला रहा है, कोई मजदूर है, उन सबको प्रतिभा निखारने का एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। 4PM म्यूजिक पे भी जरूर जाइएगा और उसको सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि वो हमारी वो कोशिशें आपको कैसी लगती हैं। चलते हैं राजीव जी के पास, और एक रिक्वेस्ट और कि चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं राजीव जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई और लोग मेरे को मैसेज करने लगे, देखो राजीव जी ने पहले ही कह दिया था कि अगस्त में जन्मदिन है अरविंद केजरीवाल जी का और जमानत उनकी हो जाएगी। आपका शायद 10 या 11 अगस्त को हमने वो वीडियो लोड किया था और उसका क्लिप कर करके मुझे भेजने लगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी भविष्यवाणी, आपने दावा किया था कि जमानत हो जाएगी, जमानत हो गई। और आपने मुझसे कहा था कि तुम्हारा म्यूजिक चैनल बहुत अच्छा चलेगा, तो ईश्वर की कृपा से मुझे उम्मीद नहीं थी। एक एक कभी 2-3 गाने डाले, 2-2 लाख लोगों ने देख लिया उस गाने को। तो राजीव जी, मेरी जिंदगी में ये म्यूजिक वाला जादू कैसे हो गया, थोड़ा बता सकते हैं? हाँ देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं आपके क्या नाम है, सभी दर्शकों को, आपने पिछले प्रोग्राम में मेरे ब्रदर की डेथ का जिक्र किया था, तो मैं सभी दर्शकों को, दुनिया भर से मेरे पास शोक सांत्वना के संदेश आए थे, मैं सभी लोगों का, अपने पूरे परिवार के सहित सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न की बात। देखिए, वास्तव में आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। मैंने भी वो दोनों गाने सुने, आपने जो गणेश जी के ऊपर जो गाना बनाया, प्लस उस इलाहाबाद के बच्चे को जो आपने, जो एक साधारण परिवार से आता था, उसको ले जाकर के जिस तरह से आपने उसकी ग्रूमिंग की है और वो आप उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये बड़ा पुण्य का काम है। देखिए, हम इंडियन आइडल वगैरह ये बहुत प्रोग्राम देखते थे, यहाँ बड़ा एक फिक्स सा लगता था कि सर्टेन इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे पहुंच रहे हैं, ऐसा कई सारी कंट्रोवर्सीज भी आई थी। लेकिन आपने जो किया, वास्तव में यह इतना बड़ा पुण्य का काम है कि आप जो आखिरी पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसके अंदर हुनर है, उसको सिर्फ एक होता है कि हीरा तो बहुत है, हीरा हमेशा कोयले की खान में ही मिलता है, उसको पॉलिश करने वाला चाहिए, तो वो आप पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी आपकी हॉरोस्कोप में देखिए जो म्यूजिक का कॉम्बिनेशन, आपका कुंभ लगन है देखिए, और बृहस्पति की आपका सेकंड भाव में बनता है, तो आप देखिए, इसीलिए आपकी आवाज भी मैं देखता हूँ बहुत मधुरता है आपकी आवाज में, आपकी आवाज में एक स्वीटनेस बहुत है। तो ये बृहस्पति के कारण यह हो रहा है कि भाई आपने इस तरफ आप क्यों आए हैं, क्योंकि ये भी आपकी जिंदगी में एक मुकाम लिखा था कि आप म्यूजिक चैनल बना करके भी लोगों को एक बहुत बड़े अवसर प्रदान कर सकते हैं। ये वास्तव में बहुत बड़ा पुण्य का काम है।
अब मैं आपके आता बहुत हूं। बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने इतना हौसला बढ़ाया। वाकई में गैरिज पे गाड़ी साफ कर रहा था, गाड़ी धो रहा था, गाड़ी धोते होते गाना गा रहा था। इलाहाबाद के एक सज्जन ने वीडियो भेजा, मेरा मन को छू गया कि देखो गाड़ी धो रहा है और गाड़ी धोते धोते गाना गा रहा है। तो शहनवाज को हमने फिर इलाहाबाद से हम बम्बई ले गए, और बेचारा वो जैसे गाड़ी धोने वाला कोई भी नौजवान होता है, फिर उसको बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम में ले गए, दाढ़ी थी, फिर उसके बाल कटवाए, दाढ़ी कटवाई, कपड़े पहनाए, उसको रियाज कराया, और रियाज कराने के बाद में उसको बढ़िया सा एक नया गाना लिखवाया। और वो गाना अगले शनिवार को, हम संडे को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, शनिवार को शहनवाज का वो गाना आएगा। आप सबसे, मैं राजीव जी के आशीर्वाद से, ईश्वर की अनुकंपा से आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, देखिए कोई घमंड नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा ये काम, ईश्वर को उस शहनवाज को गाड़ी बम्बई के स्टूडियो तक पहुंचाना था। मैं नहीं होता राजीव जी होते, राजीव जी नहीं होते कोई और होता, उसने मुझे इसके लिए पात्र बनाया, 4PM को पात्र बनाया, तो उसका शुक्रिया। हम शहनवाज को गाड़ी धोने से और गैरेज से लेकर बम्बई तक ले गए। शनिवार को, यानी राजीव जी जब अगली बार आएंगे उससे एक दिन पहले, शहनवाज का वो गाना जो गैरेज के शुरू होगा और बम्बई तक पहुंचेगा, वो गाना, और गाना सुन के आप, उसकी पूरी हुलिया हमने दिखाई है कि कैसे गैरेज हो रहा है, और बाद में बम्बई में आके शहनवाज शहर से शहनवाज बन गया है। तो आप सबका प्यार रहेगा। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने और हौसला बनाया मेरा, ऐसी गणेश जी की बहुत बढ़िया स्तुति की, पंकज त्रिपाठी जी का बड़ा उसमें योगदान था, मैं बहुत बढ़िया फिल्म एक्टर हैं, मैं उनके घर भी गया था, गणेश जी को उन्होंने पूजा कर रहे थे, वो उनकी पत्नी दोनों, उनका भी इस गीत में गणेश प्रतिमा, गणेश जी की जो आरती है या गाना है उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। राजीव जी अब मैं आता हूँ आपके ज्योतिष वाले सवाल पर, अरविंद केजरीवाल की जमानत हो जाएगी, ये आप इतना दावा कैसे कर रहे थे, कैसे लग रहा था आपको कि भैया हर हालत में CBI वाले केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? हालांकि बहुत कुछ तो आपने पहले बताया था, लेकिन अब भविष्यवाणी सही हो गई है, तो लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा होगी कि आपको कैसे पता था कि की जमानत हो ही जानी है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि ये एक इतनी अच्छी रिसर्च है, और अरविंद केजरीवाल ही नहीं, लगता है जैसे हनुमान जी ने मुझे आप पार्टी के लिए जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मेरी भविष्यवाणियां काम कर रही हैं, और बहुत सारे लोग आप पार्टी के लोग मुझे फॉलो भी कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एक स्टेज में आपका गोदी मीडिया और बाकी पत्रकारों की फील्ड में भी जब एक एक करके इनके बड़े नेता जेल में जाने लगे थे, तो लोगों ने जिस तरह से आपको याद है इंडिया एयरलाइंस के बारे में कहना शुरू कर दिया, ये तो खत्म हो गया, टूट फूट जाएगा, सेम केस आप पार्टी के लिए भी हो गया कि भाई आप पार्टी तो खत्म और दिल्ली में तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और ये वगैरह वगैरह। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने में घटना चक्र ऐसा घूमा, एक एक कर उनके सारे बड़े नेता बाहर आ गए, और किस समय राइट टाइम पर आए हैं कि जब हमारे प्रचार के लिए दो स्टेट और आने वाले हैं, 4 स्टेट प्लस दिल्ली का चुनाव भी आने वाला है, जनवरी फरवरी में होता है। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये हॉरोस्कोप मैंने डिस्कस की थी अरविंद केजरीवाल जी की, ये अरविंद केजरीवाल जी की हॉरोस्कोप है। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को शुक्रवार के दिन 7:34 30 सेकंड पे शिवानी करके हरियाणा में जगह है वहां हुआ था। और मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, एक मैंने राइटअप भी दिखाया था, मैंने उस टाइम ये राइटअप लिखा हुआ था 11 अगस्त के प्रोग्राम में, और उसमें मैंने लिखा था 14 जुलाई 2024 से 11 सितंबर के ग्रह गोचर सूक्ष्म दशाओं के आधार पर संकेत दे रहे हैं कि इनको CBI केस में भी बेल मिल जाएगी। अब आप बताइए, मैं तो 11 अगस्त को बात कर रहा हूँ, घटना घटी है 13 सितंबर को, और मैं कोई सुप्रीम कोर्ट में या वकालत के बारे में मेरी कोई इतनी नॉलेज तो है नहीं, मैं तो सिर्फ घटनाओं के आधार पर बता रहा हूं। तो मैं आज सिलसिलेवार मैं वो ट्वीट भेजूंगा राइट फ्रॉम बिगनिंग। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को 10 मई को जो है जमानत हुई थी, जो प्रचार करने के लिए 20 दिन का मिला था उनको टाइम, वो भी भविष्यवाणी मेरे नाम में है, और उस भविष्यवाणी को मैं आज सिलसिलेवार आप बताता हूं दर्शकों को, इससे सुंदर रिसर्च ही होगी। देखिए अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को रात्रि को 9 बजे अरेस्ट होते हैं, 21 मार्च 2024 को रात्रि के 9 बजे। ये एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए एक्सीलेंट रिसर्च है और प्रूव करती है, अगर डेटा, डेटा क्या होता है हमको ज्योतिष में चाहिए, टाइम ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। और आपको दर्शकों को बता देते हो जो ये कुंडली कोई एक अनोखी चीज नहीं है, इस नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, भाई घटना घट रही है उस समय ब्रह्मांड में तारे तो कहीं ना कहीं हैं, हमने उन तारों को पिक्चर के फॉर्म में स्क्वायर शेप में बना के दे दिया, और उसी से हम घटना को तो बता रहे हैं, ये क्या कमाल है। तो आपको मैं बताता हूं कि करेक्ट होती है कितनी, एक्यूरेट सक्सेसफुल प्रिडिक्शन की जा सकती है अगर डेटा करेक्ट हो।
अरविंद जी का लियो लग्न और एरी साइन है, मेष राशि है। मैंने जो आप ट्वीट दिखाइएगा, मैंने ट्वीट तैयार कर रखी है, स्टूडियो में भेजूंगा मैं। मैंने 10 अप्रैल 11 बजे रात को और दूसरा ट्वीट किया था मैंने 28 अप्रैल 8 PM को 8 बजे रात को कि इनको जुडिशियल रिलीफ मिलेगा। साथ ही क्योंकि मार्च में जब ये अरेस्ट हो गए तो हताशा छा गई पूरी तरह से, रातों रात उठा लिया गया, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया और अरेस्ट कर लिया। तो साथ ही मैंने अपने मई के फर्स्ट वीक में 4 PM चैनल पर, आपके फर्स्ट वीक का प्रोग्राम है मई का, इसमें मैंने कहा था, और जानते कितनी बड़ी बात करी थी उसमें मैंने आपके उस प्रोग्राम में कहा था कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अरविंद केजरीवाल को 14 जुलाई से आगे जेल में नहीं रख पाएगी, और 14 मई और आप देखिए वो मई फर्स्ट वीक का प्रोग्राम और एग्जैक्टली 10 मई को उनको जमानत हो जाती है। तो ब्रह्मांड की शब्द वो बड़ा पॉपुलर हुआ था और अरविंद जी ने मेरे बारे में बताया भी था जब आपने उनका इंटरव्यू किया था। तो अपने मई फर्स्ट वीक में 4 PM चैनल के वीकली प्रोग्राम में कहा था कि ब्रह्मांड की कोई ताकत इन्हें 14 मई से ज्यादा जेल में नहीं रख सकती और उनको बेल 10 मई को मिल गई। एसटी ग्रांटेड इंटरिम बेल टू हिम ऑन 12 जुलाई 12 जुलाई को दोबारा एससी ने ईडी के केस में उनको जमानत दे दी। और उसमें भी देखिए मेरे को बंबई से एक मेरे मित्र ने फोन किया, अरे राजीव जी वो आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगाओ, मैं तो भूल गया था कि आप करिए, तो आप बताता हूं, वो भी आप ट्वीट अभी इस कंबाइंड ट्वीट में आएगी। मैंने सुबह 10:30 सुप्रीम कोर्ट शुरू होती है प्रोसीडिंग और 10:10 पर मैंने देखो, कोई इतना आज की देर में मैंने कोई रिस्क नहीं लेगा, देखिए पूरा पूरा पिटाई पुटाई होने का योग है कि 10:10 पर मैं ट्वीट करता हूं कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल जाएगी और देखिए जमानत मिल गई। तो ये सब चीजें क्यों हो रहा है? तो 10:10 पर 12 जुलाई को मैंने प्रेडिक्शन की थी ही विल गेट रिलीफ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टुडे। अपने 11 अगस्त 2024 के वीकली प्रोग्राम में मैंने वंस अगेन केजरीवाल की हॉरोस्कोप पर चर्चा करते हुए कहा था कि इनका लग्न लियो है और लियो लग्न का स्वामी सूर्य होता है। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त का है और लगभग 16 अगस्त के आसपास ही सूर्य जो है सिंह राशि में आता आपके कर्क राशि से, तो उनका लग्नेश लगन में आ रहा था तो मुझे दिख गया था कि इनको जो है जमानत मिल जाएगी इस महीने में। और सूर्य हमेशा दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि सूर्य एक राशि में एक महीने रहते हैं, जैसे चंद्रमा 2.5 दिन रहता है, मंगल 45 दिन रहता है, बुध 17 दिन रहता है, शुक्र 27 दिन रहता है और सूर्य एक महीना रहता है, और आपका जो है क्या नाम है बृहस्पति 1 साल रहते हैं, शनि 2.5 साल रहते हैं और राहु और केतु 1.5 साल रहते हैं। मैंने पूरा ड्यूरेशन बता दिया कौन ग्रह किस राशि में कितने समय रहता है। तो मैंने आप ये इनका 16 अगस्त को लियो में एंटर करेगा जो 16 सितंबर 2024 तक रहेगा, इसी राशि में रहेगा, हेंस ही विल गेट बेल इन दिस पीरियड। देश काल पात्र के अनुसार संजय जी मैं बताऊं, ये होता ना देश काल पात्र, अब आप बताइए एक ज्योतिषी कह रहा 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में जमानत मिल जाएगी, तो लोग पूछेंगे यार भैया कब मिलेगी? अरे भाई जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर लिस्टेड होगा तभी तो मामला बनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर लिस्ट होगा तभी तो मेरे अपने कहने से सुप्रीम कोर्ट तो बिना प्रोसीडिंग के, बिना सुनवाई के, बिना आर्गूमेंट के तो जजमेंट देगा नहीं। तो आपको बता देता हूं 5 सितंबर को इनका मैटर लगा था, 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को मुझे लगा था कि आज अरविंद केजरीवाल की आज बेल नहीं होगी, क्यों मैंने इसलिए उसमें कोई ट्वीट भी नहीं किया था। और क्यों नहीं किया था इसका कारण बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल 5 सितंबर को जो चंद्रमा था कन्या राशि में था, दर्शकों की जानकारी के बताया तो कन्या राशि में था 5 सितंबर को, दर्शक चेक कर सकते हैं, राहु केतु से पीड़ित था, इनकी कुंडली में मेष लगन है, मेष राशि है, तो मेष राशि से छठवें घर में जा रहा था, वो अच्छा योग नहीं है। और आप देखिए 13 सितंबर को उसी चंद्रमा ने, देखो 2 दिन की, मैं इससे ज्यादा अच्छी रिसर्च कोई एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं हो सकती कि 13 सितंबर को वही चंद्रमा इनके 9वें राशि में आ गया था, धनु राशि में, जो इस मेष राशि से 9वां घर बनता है। तो आप मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनको जब एस्ट्रोलॉजी के उस दिन रिलीफ इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि माइंड एंड हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का सिग्निफिकेटर चंद्रमा वाज इन राहु केतु एक्सेस इन वर्गो साइन कन्या राशि में था और मंगल से पीड़ित हो रहा था उस दिन। लेकिन जब 12 सितंबर को न्यूज आई कि जजमेंट अनाउंस 13 तारीख को होगा तो मैंने देर नहीं लगाई और लगभग रात को ही मैंने 10:38 पर यह प्रेडिक्शन की, पूरा रिस्क लेते हुए सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर रिस्क कर दिया, पूरा इन्फॉर्म कर दिया था
कि कल अरविंद केजरीवाल को जेल में, रात की प्रेडिक्शन ट्वीट है मेरी कि अरविंद केजरीवाल आप लोगों के पास में भी सब दिखाइएगा, तो वो अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी और बेल मिल गई। आप इसके अलावा आपको मैं बताता हूं, और अरविंद केजरीवाल बाहर है और अपना अच्छा प्रचार करें। एक जानकारी और दे देता हूं, मैंने आपके प्रोग्राम में एक हिंट तो दिया था, ये बात मई के महीने की है। मैं वृंदावन में एक संत के आश्रम में था, मेरा नाइट स्टे था, रात को 11 बजे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप पार्टी के एक बहुत सीनियर जो है एमपी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि आचार्य जी हमारे दूसरे भाई का भी काम करा दीजिएगा। तो मैं हंसने लगा, मैंने किसकी बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया की? बोले जी। तो मैंने कहा भेजो उसकी कुंडली, तो उन्होंने उसी समय उनकी हाथ से बनी हुई कुंडली मेरे को फॉरवर्ड की। मैंने रात को 11 बजे ही लैपटॉप खोल करके मनीष सिसोदिया की कुंडली देखी और मैंने कहा कि भी इनको बेल तो मिल जाएगी, एक तो योग अभी बन रहा है 2-3 हफ्ते का, इसमें मिली तो मिली, नहीं तो अगर जुलाई अगस्त में इनको बेल जरूर मिलने वाली है। फिर कुछ मुझे उनको पूजा पाठ जैसे कुछ बातें करनी थी, तो उन्होंने कहा मैं भाभी से बात कराऊंगा। अगले दिन उसके 1 बजे करे आसपास मुझे मनीष सिसोदिया की वाइफ से मेरी बातचीत हुई है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरा रोल कितना बढ़ गया था इस दौरान, आप पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए हनुमान जी करा रहे थे, क्योंकि ये लोग सब हनुमान जी के भक्त हैं ये भी। तो आप देखिए 1 बजे जब मनीष सिसोदिया जी की वाइफ ने मेरे से बात की, अच्छी महिला है, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये वाला जाप करिए, तो वो कह रहे मैं सब कर रही हूं और इससे ज्यादा कर रही हूं। तो मैंने कहा चिंता मत कीजिएगा, वही सारी बातें मैंने उनको रिपीट करके बताई कि मनीष सिसोदिया की जमानत हो जाएगी जुलाई अगस्त तक, बाहर आ जाएंगे या 3 हफ्ते में होती है नहीं तो जुलाई अगस्त में आ जाएंगे। वो इसलिए कहा था संजय जी, सभी दुनिया के लोगों को पता है, भारतवर्ष के लोगों को, कि जून के महीने में, मई में मेरी बात हो रही है, जून के महीने में कोर्ट बंद रहते हैं छुट्टी के कारण, तो भाई मैटर तो जुलाई में ही आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद हमारी बात करता हूं, और देखिए 16 महीने से वो बंदा जेल में था, तो आप बताइए कि अगस्त में बेल क्यों हुई है। तो मनीष सिसोदिया जी की जो बेल है वो फाइनली 9 अगस्त को बेल मिली है उनको। तो ये सब आपको मैं बता रहा हूं, और मनीष 16 महीने से जेल में, मतलब फाइनली ऑन अगस्त 9 उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, और के कविता को भी 27 अगस्त को मिला। मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं, आपको पता है आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मोदी जी ने इतने अशुभ समय में शपथ ली है कि 3 महीने में इनकी जो जितनी धतपिटी है वो आज तक कभी इनके 2002 से कभी नहीं इतना बुरा समय आया होगा। एक एक करके जितने लोगों के ऊपर उन्होंने फर्जी मुकदमे डाले थे, अमित शाह मोदी ने, ये गैंग है पूरा का पूरा, इनका भाइयों का गैंग है ना, जैसे भाइयों का गैंग होते पिक्चरों में दिखाते हैं, तो जितने केस आए सबके सब बाहर आ रहे हैं। मतलब जो बीच में जिनका पैसे का लेन देन हुआ, बिजनेसमैन था, कहीं कहीं नाम है मुझे नहीं पता, एक्साइज केस में लगभग सभी प्रोमिनेंट लोग बाहर आ चुके हैं। तो मैंने आपको बता रहा है, अहंकारी बीजेपी मोदी शाह का सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर्स को फर्जी मुकदमे में फंसा कर पब्लिक में उनका परसेप्शन इमेज खराब करना, उसमें गोदी मीडिया भी शामिल है, और देशद्रोही इनकी फेक न्यूज फैक्ट्री जो है आईटी सेल वो भी शामिल है, जो बीजेपी के लो आईक्यू के लोग हैं वो उसमें, बहुत अच्छी आईक्यू के लोग नहीं है, इतने थर्ड क्लास सड़क छाप लोग हैं बीजेपी की आईटी सेल में। और इन्होंने लगातार देखो पूरा का पूरा, आपको पता है अगर आप पूरे साल भर जब से एक्साइज केस आया होगा आपने देखा, उन्हें किस तरह से पूरे पूरे टाइम जो है इस चीज को उन्होंने एक्सपोज करने में लगाया, चैनल की एनर्जी बर्बाद की, हमारा दिमाग भी खराब किया, आम जनता का भी दिमाग खराब किया। आज वो सारा भांडाफोड़ सब सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया, इनका किला, सभी लोग फेक एक्साइज केस में रिलीफ होकर बाहर, स्टेट इलेक्शन के टाइम पर बाहर आ गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने हर जजमेंट में हाई कोर्ट को भी लताड़ा है और लोअर कोर्ट को भी लताड़ा है, और ये कहता कहा हुआ है कि भाई आपका जो फंडामेंटल राइट है हमारा फ्रीडम का, वो आप कैसे नहीं आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो कहते हैं बार बार हर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, सभी जगह कहा है। अगर देखिए अगर लॉ अलाउ करता है तो मैं तो इन लोगों से, आप पार्टी के लोगों से या जितने भी लोग जेल में गए हैं, सबसे आग्रह करूंगा कृपया करके 100-100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट फाइल कीजिएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी की आईटी सेल के खिलाफ, गोदी मीडिया के खिलाफ, और जितने सीबीआई ईडी के डायरेक्टर हैं जो पहले वाला मिश्रा था वो भी उसके खिलाफ, और जितने ऑफिसर हैं सबके खिलाफ करो। जब तक इन लोगों को दंड नहीं मिलेगा तब तक ये देखिए दूसरी ब्यूरोक्रेसी को एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। एक क्या आपने गंद मचा रखा है देश में, आप बिल्कुल उसको बनाना रिपब्लिक की तरह ट्रीट करें जैसे पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है,
जहां लॉलेस कंट्री है, आपने देश को उस तरह से बना रखा है, इस तरह से राजनीति की जाती है। ये तो आप कमजोर हैं, इसलिए आपको बताता हूं। कमजोरी से एक बहुत अच्छा वाक्य याद आ जाता है, दर्शकों को मजा आएगा सुनने में। मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा है कि हमारे नरेंद्र भाई बहुत कमजोर और डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं, दोनों भाई डरपोक हैं। तो जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे, जब नया नया मुख्यमंत्री आवास उनका बना था गांधीनगर में, किसी एक प्रोग्राम में वीडियो में मैंने सुना था, तो रात्रि को एक बहुत तेज जो है बम जैसे धमाके की आवाज आई। उसी समय नरेंद्र भाई अपने कमरे में से बाहर भागे और गाड़ी अपनी जो सिक्योरिटी की मंगवाई उसमें लेकर भाग लिए वहां से, और भाग करके और सारा हड़कंप मच गया प्रशासन में, पूरी गाड़ियां सायरन बजाती हुई गाड़ियां इकट्ठी हुई। पता लगा कि वहां उस सीएम हाउस के आसपास पास से कोई हाईवे निकलता था, वो ट्रक का टायर बस्ट हो गया था, उसका ट्रक का टायर। मोदी जी के पीछे हाथ पैर धो के पड़े हैं, मतलब आपको कहानियां भी मोदी जी ऊपर सुनाने लगे आप टायर फटने की, ये तो कहीं हमने पढ़ी भी नहीं सुनी भी नहीं ये कहानी। मतलब मोदी जी ने कुछ सच कुछ कुछ लड़ाई है आपकी मोदी जी से, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं लड़ाई नहीं हूं, मुझे लगता है देखो वो अभी भी देखो मिले भी हैं मोदी जी से। हाँ, मुझे तीन चार बार मोदी जी मेरी मुंह से देख करके बड़े प्रभावित है, वो आंखों से देखने लगे तो मैं वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सच्ची बात यह है कि इस व्यक्ति का ऑरा इतना नकारात्मक है, निगेटिव है, वो अभी हम उस विषय पे भी आएंगे, जिसके घर में चला जाए, जिसके घर में जिसके ऊपर हाथ लग दे, जिसको जप्पी मार ले, जिसको गले लगा ले, सोचो उसका बंटाधार निश्चित है। जैसा एक भस्मासुर की 24-25 सालों से वो आदमी सत्ता के शिखर पे है, मुख्यमंत्री रहे लगातार, प्रधानमंत्री रहे लगातार, तो कुछ तो सितारे उनके भी मजबूत होंगे ना, ग्रह होंगे। बिल्कुल नहीं, वो मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए आप, ये आपको बता दें, हर दर्शक को ये जानकारी देना चाहता हूँ, आपकी कुंडली में अगर सफलता का योग है, आप कितना ही साधारण परिवार में पैदा हुए, वो आपको मिलेगी जरूर। तो वही नरेंद्र भाई के साथ हुआ कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी भी हो, उनके भाई पॉलिटिक्स में हो या ना हो, लेकिन वो इस मुकाम तक पहुंचे तो वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पहुंचे थे। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे आध्यात्मिक सारे ग्रंथ स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं कि जब आपको इस जन्म में सफलता मिले, वो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण है, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन हमारे नरेंद्र भाई ने उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, और इसीलिए देखिए जितना तेजी से वो उठे हैं, 20 साल का उनका राजनीतिक, 2022 से 22 साल का उनका राजनीतिक करियर हो गया, इसमें जिस तरह से उनका ग्राफ तेजी से उठा था, वो ग्राफ नीचे जा रहा है, क्योंकि आप जांच एजेंसियों को कब्जा करके बैठ करके आप विपक्ष को डरा धमा के राजनीति करेंगे, वो तो आप देखिए लगभग सब खत्म हो गया है। आपको पता कि एक और भी चीज हुई थी कि एक और जजमेंट इसी दौरान आ गया, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का 13 सितंबर का मैं बताता हूं हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कठोर टिप्पणी करते हुए बुलडोजर पॉलिटिक्स को ध्वस्त करते हुए जजमेंट देते हुए कहा, बहुत कड़ी टिप्पणी की है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्राइम नो ग्राउंड फॉर डेमोलेशन, बुलडोजर जस्टिस लाइक बुलडोजिंग लॉज ऑफ लैंड, आप कानून को बुलडोज कर रहे हो। तो मैं आपको बताता हूं ये अत्यंत सख्त फैसला है। अगर आपके बाबा जी जो आदित्यनाथ जी हैं और उनके जो चमचे अफसर हैं और जितने भी मुख्यमंत्री हमारे, जिसमें एक मुख्यमंत्री तो दलबदलू है हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का, और जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब लोगों को सबक लेना चाहिए। भगवान आपके ऊपर, आपके परिवार के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने वाला है। आपने किसी अगर जो है अन्याय किया है किसी के साथ, निर्दोष के साथ, देखिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो वो उसका, उसके परिवार का क्या दोष है। तो ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। देखिए अगर इनमें जरा भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इस क्या नाम है जजमेंट आने के बाद में। तो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी तर्कस में तीर थे, एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने सारे उड़ा दिए हैं, कि जो उनकी जो ईडी सीबीआई थी उसको है। और एक और बहुत बड़ी टिप्पणी की है, आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, मैं सुन भी रहा था आप लोगों के पत्रकारों के, कि सीबीआई को उन्होंने कहा कि भाई आपको अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, आप तो पिंजरे में बंद तोता है। और इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में, अभी नई पार्लियामेंट में, बड़े शानों के शौकत के साथ कह रहे थे। मैं एक पुरानी वीडियो देख रहा था रवीश कुमार के चैनल पर, उसमें पीछे किरण रिजिजू दिखाई दे रहे हैं और वो क्या नाम है जैन चौधरी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोदी जी कह रहे हैं देखो पिछली सरकार में जांच एजेंसियों पर कैसा कब्जा था, और वहां सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि सीबीआई जांच एजेंसियां सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। लेकिन आज देखिए वही तोता आपके ऊपर भी लग गया, क्योंकि वो आपको भी आज उसने जजमेंट में कह देगा ये तो बंद तोता है। और 11 साल बाद जजमेंट आया, 2013 में जजमेंट था ये, 2013 के बाद 2024 में, 11 बरस के बाद आज वही चीज।
तो जो सीबीआई के चीफ है ना वो 1987 के आईपीएस ऑफिसर है, और मैं मेरे जितने भी मित्र हैं 1988, अगर मैं भी आईपीएस आईएएस होता तो मेरा 87-88 बैच होता। तो वो सज्जन उनको थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए, आपको इसी समाज में रहना है। और देखिए संजय जी एक खतरा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कई सारे लोगों से बात करता रहता हूं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से, तो वो लोगों ने भी माना कि ये जो आज सोशल मीडिया का युग है ये बड़ा डेंजरस है। भाई साहब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपकी 7 पीढ़ियों की इंफॉर्मेशन निकाल करके लोग ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। ये जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पर बैठे हुए लोग हैं, ये उनके लिए चेतावनी है, कृपया करके आप लोग संविधान के अनुसार और जनता के प्रति जवाबदेही आपकी होनी चाहिए, ऐसे जजमेंट और ऐसे कार्य कीजिए, अन्यथा आपके बच्चे सड़क पर चलने में आपको अपमानित महसूस करेंगे, क्योंकि देखो यह इसका फलाने बाप ने ये किया था। ये सब चीज इनको झेलनी पड़ेगी, बच्चों की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो सब निकाल लेते हैं सोशल मीडिया पे, भाई इनके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं ये वगैरह वगैरह। भाई आप देखो मेरे बच्चों के पास में मेरा मैं तो आपको पता है कि मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर संजय जी कोई अपना नंबर नहीं छोड़ा है, मेरा कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, ना सोशल मीडिया पर, ना ट्विटर पर, ना फेसबुक पर, ना इंस्टाग्राम पर। तो लोग पता नहीं कहां से ढूंढ ढांड करके वो बेटी के पास के प्रोफाइल में पहुंच गए, वहां से रिक्वेस्ट करें कि हमारे आचार्य जी से नंबर दिलवा दीजिए, हमारा अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिएगा। तो आपको समझ समस्या क्या है, तो यही चीजें इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पीएमओ में काम करती हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती हो, आपके हर एक्शन को आज ऊपर वाला देख रहा है। कहते हैं ना भाई आज इंटरनेट और सोशल मीडिया किस पे चल रही है, इंटरनेट से, तो हम ये कह सकते हैं ऊपर वाला देख रहा है। आज आप सबके सब ऊपर वाले की रडार में हो, तो आपने कोई भी गलत काम किया तो आपको सोशल मीडिया पर पब्लिक छोड़े नहीं, ट्रोलिंग तो शुरू कर देगी, आपको अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर बंद ही करना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक हमारे फरीदाबाद में, मैं लगातार अपने विषय पर तो आऊंगा, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को बताया, एक फरीदाबाद में जहां मैं रहता हूं संजय जी, अभी पीछे एक गौ रक्षकों के 4-5 अति उत्साहित लोगों ने, जो जिनका कुछ बैकग्राउंड क्रिमिनल भी मिला, उन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी के केस था, एक ब्राह्मण 20 साल के ब्राह्मण लड़के को गोली मार दी, ये सोच करके वो मुस्लिम है और जो है ये जानवरों को उठाने वाला गैंग है, और उसका पूरा 29 किलोमीटर तक पीछा किया था। ये मेरे घर के पास की घटना, जहां मैं रह रहा हूं बिल्कुल उसके पास की घटना है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये इस बच्चे का केवल एक ही अपराध था कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ नाइट में कुछ स्नैक्स खाने के लिए गया था, 3-4 फ्रेंड थे, उसमें एक वो फीमेल फ्रेंड भी थी। कई दिन तक ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन बना रहा। उस लड़के के माँ बाप ने जानते हैं दुखी होकर क्या कहा, हमारे घर के पीछे ही रहते हैं वो, पीछे वाली लोकेलिटी में ही, कि वो उन्होंने कहा था कि भाई या तो हमारे बेटे को न्याय दिलवा दो या हमें हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। उनके माँ बाप ने दुखी होकर के यह कहा था। देखिए आवारा पशुओं के नाम पर, आपके उत्तर प्रदेश की तो बहुत बड़ी समस्या है, आवारा पशुओं के नाम पर संजय जी आज तक गवर्नमेंट की कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग है? आप तो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े पत्रकार हैं, आप देखते बताइए, हुआ है कोई, बनी है कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग, कोई पॉलिसी है नहीं, है ना? तो हम तो यही कहते हैं भैया, ये लोग इतने गौरक्षक भक्त हैं और गाय को माता मानते, किसी भी जानवर को, तो मैं तो ये कहता हूं, और इनकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है, छोटे या बड़े शहरों में जगह जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं और बेचारी लावारिसों की तरह इधर की उधर घूमती रहती हैं। हम क्या नाम है, लंदन गए, दुबई गए, ऑस्ट्रेलिया गए, भाई साहब एक जानवर सड़क पर नहीं दिखाई देगा। वहां वास्तव में सड़क पर ड्राइविंग करने का आनंद आता है, और सड़क पर कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई वहां पर रैश ड्राइविंग नहीं करता है, एक गाड़ी में एक गाड़ी से भी ज्यादा का गैप मेंटेन करके चलते हैं। दुबई में तो और ज्यादा सख्त कानून है, वहां पर अगर आपने एक गाड़ी दो गाड़ी का गैप नहीं मेंटेन किया दो गाड़ियों के बीच में, तो आपका चालान हो जाएगा, कैमरे लगे हुए जगह जगह। तो मतलब कितना ही कोई सडन ब्रेक मारे तो टक्कर नहीं हो सकती वहां पर, दुबई में ये। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर है। तो अब मेरा आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, इन गौ भक्तों से, इन बीजेपी वालों से और इन संघ के लोगों से, इन विश्व हिंदू परिषद वाले लोगों से, कि भाई आपके घर में हम ये सारी जितनी आवारा पशु हैं आपके घर में बांध देते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने जितनी उनके पास जगह वहां वो बांध लें, हर बीजेपी का एमपी एमएलए बांधे, हर कार्यकर्ता बांधे, हर जिला अध्यक्ष बांधे, तो फिर आवारा पशुओं की समस्या ही खत्म हो जाएगी। बांधो ना, तुम सेवा करो, तुम्हें पुण्य ज्यादा मिलेगा, ले लो भाई पुण्य अपना। भाई राजीव जी बात हो रही थी फैसलों की,
तो एक चीज पूछना चाहूंगा, बड़े मन में कौतूहल था, लोगों ने सवाल पूछा, आपने चंचूर साहब जब शपथ ले रहे थे तो आपने उनकी बात करी थी कि उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, लेकिन जब उनका कार्यकाल का अंतिम दौर चल रहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने घर क्या बुलाया, मोदी जी ने महाराष्ट्रियन टोपी क्या पहनी, चंद्रचूड़ साहब की आलोचना शुरू हो गई। तो जाते जाते चंद्रचूड़ साहब की छवि पर अगर एक तरह मैं कहूंगा दाग सा लगा, ये कौन से ग्रह थे कि जो चंद्रचूड़ साहब इतने नायक बने हुए थे, जाते जाते लोग उनको ट्रोल करने लगे, उनके बारे में सवाल करने लगे, क्या चंद्रचूड़ साहब की जन्म पत्री है आपके पास, कोई काल ऐसा था, कोई ग्रह ऐसे थे, कोई समय ऐसा था कि जब वो खुद ट्रोल हो गए? बहुत अच्छी बात, मैं इस प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूं। कारण यह है क्योंकि चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल कैसा रहेगा यह भविष्यवाणी भी मेरे नाम है, मैंने ही ट्वीट किया था कि चंद्रचूड़ जी अपने कार्यकाल में बहुत सख्त डिसीजन लेंगे, एक जुडिशरी में कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा, बड़ा एग्रेसिव एंड बोल्ड डिसीजन देंगे जिसके कारण सरकार को बहुत सारी मृत्युतुल्य कष्ट होगा, यह सब मेरी भविष्यवाणी है। तो उसके मूल में जाने से पहले मैं आज दर्शकों को एक बहुत चौंकाने वाली हॉरोस्कोप लेकर के आया हूं। ये हॉरोस्कोप है दर्शकों आपके सुप्रीम कोर्ट जब फॉर्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जब फॉर्म हुआ है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणतंत्र बनाए, 28 जनवरी 1950 को शनिवार का दिन था, सुबह 9:43 पर दिल्ली का बर्थ है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ये मीन लग्न की कुंडली है, लग्न में राहु, दूसरे घर में उच्च का चंद्रमा, छठवें घर में शनि सिंह राशि का, और सातवें घर में मंगल केतु के साथ, नौ और दसवें घर में बुध बकरी, ग्यारहवें भाव में नीच का बृहस्पति और रेट्रोगेट और कंबस शुक्र और सूर्य इस कुंडली में है, और इनका जो नक्षत्र है फॉर्मेशन का वो कृतिका नक्षत्र में है। तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें इस कुंडली में क्या बहुत अच्छी बात है कि सूर्य और चंद्रमा पर दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि है। इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट जो फॉर्म हुआ था, इसका जो मूल जो आत्मा और इंटेंशन है वो बड़े प्योर है, परंतु दुर्भाग्य ये एक इमोशनल हॉरोस्कोप बन गया, ये जल तत्व का मतलब इसमें ऐसा बोल्ड सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन नहीं बना कि जिससे कि विश्व में इसके निर्णयों के द्वारा लोग एग्जाम्पल कोट करें। आपको बता रहे मूल हमारा कमजोर कहां पर है कि जो हॉरोस्कोप बनी है सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत सॉफ्ट हॉरोस्कोप है। उस सॉफ्ट हॉरोस्कोप में सुप्रीम कोर्ट में कभी भी हम ऐसे बड़े डिसीजन नहीं दे सकते थे, कोई भी जज आए या चले जाए। देखिए आपके इंटेंशन बहुत अच्छे हों, आप बहुत अच्छी सोल हैं, लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं कर पाए, आप चैलेंज नहीं ले सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर आपका नाम नेम ऑन फेम तो होता नहीं है। जिंदगी में याद रखिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, देखिए तलवे चाटने वालों से कभी भी इतिहास नहीं रचा गया है, इतिहास हमेशा उसी ने रचा जिसने चैलेंज लिया है, जिसने रिस्क उठाया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से इसको बता दे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन 28 जनवरी 1950 को लगभग 9:43 पर हुआ था, मीन लगन वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में हुआ, ये इमोशनल लगन है, सूर्य मरकरी और इनकी दशा थी जब ये शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट, तो सूर्य बुध और मंगल और बृहस्पति में इनके लग्न में राहु, वर्तमान दशा 1 नवंबर 2021 से दसवें भाव में बैठे चौथे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी बुध की चल रही है। बुध क्या है, हम ज्योतिष के जानकारों के लिए बता देता हूं, इंटेलेक्चुअल कैलिबर ऑफ नेशन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, लिटरेरी वर्ल्ड, साइंटिफिक कैलिबर, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्ट, न्यूज मीडिया, रिटन एंड स्पोकन वर्ड, टीवी एंकर्स, वेदर। इस हॉरोस्कोप में ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह जो बृहस्पति नीच का है, थर्ड लॉर्ड एर्थ लॉर्ड वीनस वक्री और अस्त है। आप वीनस क्या सिग्निफाई करता है, इनएक्टिंग ऑफ राइटियस लॉ, यह इसलिए बात बता रहा हूं कि आप बहुत बड़े जजमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकता है, क्यों उसके फेलियर आपके सामने आएंगे जो मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार बताता हूं कि इनएक्टिंग ऑफ राइटियस लॉ, कंट्रोल ओवर जजेस, जजेस के ऊपर कंट्रोल भी आपको पता है, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दीपक मिश्रा जी जब चीफ जस्टिस से, तो उसमें क्या है जजेस के ऊपर कंट्रोल भी उतना पावरफुल नहीं रहेगा इस इंस्टीट्यूशन में। ज्यूरी एंड कोर्ट ऑफ लॉ, सोसाइटी, सोशल एंड एंटरटेनमेंट साइड ऑफ द नेशन प्रॉस्पेरिटी, समाज के लिए भी बहुत बड़े जजमेंट देने में ये सुप्रीम कोर्ट हमारा कमजोर साबित होगा। और मंगल क्या सिग्निफाई करता है, एग्जीक्यूशन, लॉजिक एंड रीजनिंग, पुलिस, आर्म फोर्सेस, एक्सीडेंट, मर्डरर्स, थीफ, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, मास ट्रेजेडी, सेक्स क्राइम, एयर एंड ट्रेन एक्सीडेंट, सर्जरी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, हरिकेन, टाइफून, वेल्कनोज।
मैं इसलिए बता रहा हूं, समाज और देश को जो आज इस सुप्रीम कोर्ट की जो फॉर्मेशन हुई है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन मेरे, चूंकि मैं पहली बार ये सौरभ को डिस्कस कर रहा हूं और ये ऑन रिकॉर्ड जा रही है और लोग इसको राइट फ्रॉम 1950 के बाद इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन इतने सालों में, हमारे 74 साल में क्या क्या किस तरह के जजमेंट आए। समाज और देश को मार्गदर्शन करने वाले राइटियस लॉ की विल पावर और एफर्ट्स कमजोर रहेंगे। सिंस इस लॉ लगना लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड इज डेबिलिटेटेड, नीच का है जुडिशरी में ओवर एम्बिशियस। सुन देते जाइएगा संजय जी, दर्शक भी ध्यान से सुने, जुडिशरी में ओवर एम्बिशियस विद लैक ऑफ विजन वाले जजेस होंगे जिनके अंदर थोड़ा सेल्फिश एटीट्यूड और ग्रीड होगा, ग्रीड भी होगा। जैसे जो जजेस, आपको पता है ये ग्रीड का सबसे बड़ा सिंबल होता है कि आप पोस्ट रिटायरमेंट जो है पद मांगने जाते हो, जितने भी, जब कोई राज्यपाल बन जाता है, कोई राज्यसभा के में एमपी बन जाता है, ये ग्रीड है बेसिकली। भगवान ने आपकी 60 साल 65 साल उम्र दी थी, रिटायरमेंट के बाद अगर आप किसी का हक मार रहे हो तो ये ग्रीड माना जाता है शास्त्रों की निगाह में। तो और आपको बताता हूं कि विद लैक ऑफ विजन जो देश का और डेमोक्रेसी का वर्ड में मिसाल कायम करने में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। सम जजेस मे बी ग्रीडी एंड सेल्फिश, जिन्हें देश समाज और जनता के प्रति समर्पण, जिनका देश समाज और जनता के प्रति समर्पण बहुत कमजोर होगा, क्योंकि नौवा घर और सेकंड लॉर्ड मंगल इज अफ्लेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजेस में लॉजिक और रीजनिंग भी कमजोर होंगे, उनका एग्जीक्यूशन भी डाउटफुल और कमजोर होगा। अब केजरीवाल का केस देख लीजिए, आप केजरीवाल के केस में हम देख सकते हैं कि अभी उन्होंने जो जजमेंट दिया है तो उसमें उनका क्या, वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जा सकते, फलाना ढिकाना, ये क्या मतलब है यार आपका। और कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर्स का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को माना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर जजमेंट को। तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो फायर की कमी है, तब तो वो आपका आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जजमेंट कैसे कोई डिसओबे कर सकता है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का केस आपको पता ही किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे महाराष्ट्र के केस को, चाहे वो शिवसेना के तोड़ने का केस हो, चाहे सरकार गिराने का केस हो, चाहे एनसीपी को तोड़ने का केस हो, किसी में कोई क्लियर कट जजमेंट नहीं आया बाबूजी। और सेबी और अदानी रिलेटेड मामले में भी आपको ऐसे ही हाल मिला। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि लोग, मैं जो मैं बातें कही है वो आप वेरीफाई करिए कि ग्रहों के हिसाब से क्यों हो रहा है। सेबी और अडानी केस को भी हम देख चुके हैं कि क्या जांच हुई है और कैसे उन्होंने जांच कमेटी बनाई थी अडानी कमेटी में, सेबी वाले मैटर में, कि जिसमें वो एक भट्ट साहब थे, वो एसबीआई के चेयरमैन थे और एसबीआई अडानी ग्रुप में पैसा लगा रहा है और लोन दे रहा है। इसी तरह कामत साहब थे, वो एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक के हेड रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक भी वहां पैसे लगा रहा है। तो आप इन लोगों से कैसे आप जांच की उम्मीद कर सकते हैं कि इनके तो वेस्टेड इंटरेस्ट थे। और आपने देखा राफेल का मसला भी आपको पता ही है कि उसका जजमेंट भी ढुलमुल आया। पेगासस इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट का केस, वो भी ऐसे ठंडे बस्ते में गया। ईवीएम बीपीएट व्यापक बीबीपीएट मशीन का भी केस ऐसे गया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के भ्रष्टाचार को नेग्लेक्ट करना, आप एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को तो आपने इलीगल ठहरा दिया, लेकिन उसके पीछे जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल केस को एंटरटेन करने से मना कर दिया। तो ये आपके अंदर स्ट्रेंथ, ये पावर, ये क्यों नहीं थी, क्योंकि आपकी मूल हॉरोस्कोप में ये वीकनेस है। और इसके अलावा बताऊं, दिल्ली में दिल्ली वर्सेस सेंटर का भी एक जजमेंट आया था, उसमें भी वो अब तक अभी भी पेंडिंग है। मतलब सबसे बड़ा टेन्योर आपके पता पिछले 10 साल में, 10 या 12 साल में सबसे बड़ा टेन्योर इनको मिला था, चंचू साहब को। इनका भी जो है कार्यकाल बहुत रिमार्केबल नहीं कहा जाएगा। जाते जाते तो उन्होंने जो कंट्रोवर्सी की वो क्यों की, उसका जवाब अभी मैं देता हूं, आपके प्रश्न का जवाब भी उसी में है। दिल्ली वर्सेस सेंटर का वीक जजमेंट, गवर्नमेंट को सख्त आदेश देने में, कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट करने में आदि जजमेंट में हम ये सब ट्रेंड देख सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं, जो हमारे क्या नाम है वो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उनको एक बात गीता से सीखनी चाहिए। गीता है ये, श्रीमद भागवत गीता बता रहा हूं। तो ये भगवान का कम से कम संदेश, चंद्रचूर साहब 2 महीने बाद रिटायर हो जाओगे, भगवान की इस संदेश को तो सुनकर के आत्मचिंतन जरूर करोगे। मोदी जी को बुला के आपने क्या कांड कर दिया वो तो आप आने वाला समय देखेगा। भगवान कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, आचार्यों, राजनेताओं और अन इंटेलेक्चुअल्स और बड़े पोजिशन पर जो लोग विराजमान है, उनका आचरण ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थ यानी काम और लोभ, छल कपट, निंदा, भेदभाव से दूर हो,
क्योंकि समाज के अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो आपको रोल एग्जाम्पल, रोल मॉडल बनना चाहिए था, लेकिन रोल मॉडल तो आप नहीं बने। तो इसका कारण यह है कि भाई जनाब इसमें ठीक बात है कि रोल मॉडल बनना चाहिए था लेकिन रोल मॉडल नहीं। अब ये बात बताता हूं, ये आपकी जो है हॉरोस्कोप है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं इनकी, इसमें इसमें मैं इसमें बता रहा हूं कि देखिए इस अभी क्या हुआ कि इनकी जो है अभी जो वर्तमान में सूर्य में देखो 10th हाउस इज हेवीली एफ्लिक्टेड, इनकी जो कुंडली मकर लग्न की इन्होंने 9 नवंबर 2022 को ओथ ली थी, 12:15 पे इन्होंने चार्ज लिया है उसमें। वैसे तो इनकी सुबह 9:00 की 10:00 की शपथ है, लेकिन उन्होंने इंटरेस्टिंगली जो है वर्किंग शुरू की है 12:15 पे। तो इसलिए मैंने कहा कि वर्किंग शुरू हुए तो सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल उसी से देखा जाएगा। तो वर्तमान में इनकी इस कुंडली के अनुसार जो दशा है सूर्य में बुध की चल रही है, और सूर्य में बुध जो है इनकी कुंडली में छठवें भाव में चंद्र कुंडली से पीड़ित हैं, जिसके कारण इनको ये कंट्रोवर्सी आई है। इनकी जो कंट्रोवर्सी बनी है वो इसी के कारण है कि ग्रहों की दशा के कारण इनको जो है ये सब अपमान झेलना पड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूँ। और अब एक दूसरे अगले सवाल की तरफ चलता हूँ, मैं ले चलता हूँ आपको वर्तमान में इस हॉरोस्कोप की दशा सूर्य बुध राहु 15 अगस्त से इनकी शुरू हुई है, सूर्य बुध राहु। तो हमेशा आपको पता है राहु इनका कुंडली में चंद्र कुंडली से 6-12 की एक्सिस में बैठा है, तो जब भी राहु का पीरियड आ जाता है तो हमेशा कोई षड्यंत्र, ये अब मोदी जी ने सघन जानबूझ के किया है, भगवान जाने ये आगे विषय जांच का विषय है, लोगों की विवेक पे छोड़ता हूं मैं। आपके बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जजमेंट भी शायद इसी से लिंक कर दिया। देखिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे वो पत्रकार और जो मीडिया और दूसरे लोग के आंकलन है उससे लेना देना नहीं है। मैंने अरविंद केजरीवाल की बकायदा कुंडली को डिस्कस करते हुए बताया कि उनकी बेल होनी थी, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ मोदी जी चले गए इसलिए उसका कोई लिंक है, ज्योतिष के अनुसार उसका कोई लिंक नहीं है। हाँ, ज्योतिष के अनुसार जो चंचूर जी की ओथ की हॉरोस्कोप दिखाई है मैंने, उसमें बताता हूं 15 अगस्त 2024 से सीजीआई चंचूर के लिए एक अपमान का ह्यूमिलेशन का फेज चल रहा है और 30 सितंबर तक चलेगा। 15 अगस्त से शुरू हुआ ये, तो ये 30 सितंबर तक रहेगा। ये क्योंकि ये सूर्य में बुध और राहु ये प्लेनेट जो है इनके 10वें भाव और चंद्र कुंडली से 6वें भाव में हेविली अफेक्टेड है, इसीलिए कुछ दिन पहले ये गणेश पूजन में मोदी को बुलाकर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोवर्सी में फंस गए, क्योंकि इनके ह्यूमिलेशन का फेज 15 अगस्त 2024 से शुरू हो गया था जो 30 सितंबर 2024 तक रहेगा। इन्हें मोदी जी का एक ऑरा नेगेटिव है, वो जिससे मिलते हैं गले लगते हैं उसका सर्वनाश शुरू हो जाता है। दरअसल ये किसी के घर अगर जाएं तो उसके यहाँ नाना प्रकार के कष्ट और सफरिंग, लॉसेस, बीमारी इत्यादि आना शुरू हो जाएंगे। हमारा ऑरा जानते कैसे, जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया, एक गरीब बच्चे को आप आगे कर रहे हो तो इससे ऑरा इंप्रूव होता है। क्यों होता है मैं बता देता हूँ कि ये देखिए ये इनका ऑरा ऐसा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये 2014 से किसी भी गरीब का कष्ट बांटते हुए दिखाई नहीं दिए होंगे। किसानों, सैनिकों, दुर्घटनाग्रस्त लोगों का, सेक्स क्राइम से पीड़ित महिलाओं, आदिवासियों के घर इंदिरा, राजीव और राहुल की तरह कभी मिलने नहीं जाते, उन्हें गले नहीं लगाते। किसी बताओ गांव देहात में कीचड़ में मोदी जी को जाते हुए देखा हो, दया करुणा मैत्री प्रेम सेवा सहयोग के भाव न होने के कारण इनकी आत्मा राक्षसी प्रवृत्ति से पीड़ित है। ये सदैव हेट स्पीच शब्दों के डिस्टॉर्ट करके, अब आप देखिए शब्दों को डिस्टॉर्ट करके उन्होंने गणेश जी जेल में बंद है, ये अभी हरियाणा की रैली में बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, ये शब्दों को डिस्टॉर्ट करके। और राहुल गांधी ने क्या वहां कहा अमेरिका में, उन शब्दों को भी तोड़ मरोड़ के चाहे सिखिज्म के लिए। आखिरी सवाल सुन लीजिए मेरा, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो विवाद क्यों जाता है, ये आखिरी सवाल मेरे आज के शो का, राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से विवाद क्यों होता है, राहुल गांधी कंट्रोवर्सी में क्यों जाते हैं, बीजेपी हमला क्यों करने लगती है, राहुल गांधी का अमेरिका का कोई कनेक्शन है क्या? जी बस दो एक सेकंड रुको, बिल्कुल तो आपको बता रहा हूं इनके और ये शब्दों को डिस्टॉर्ट करके भ्रम से और असत्य फैलाकर परसेप्शन बिगाड़कर अन्य भ्रष्ट तरीकों से काला धन जांच एजेंसियों को
फर्जी मुकदमे और अन्य जघन्य अपराधों से केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं। इनकी 2002 से राजनीतिक यात्रा केवल इसी फिलॉसफी पर आधारित है। एक अच्छी चीज बता देता हूं, अभी तो परसेप्शन तो उन्होंने जो सुप्रीम उन्होंने ये सब प्लान था कि पूरी मराठी वेशभूषा में वो गए थे, महाराष्ट्र का चुनाव उनके दिमाग में था। आपने देखा होगा जब राम मंदिर का मुद्दा था उससे पहले 11 दिन उपवास किया, वो दक्षिण भारत में चले गए, फिर राम मंदिर जी का राम जी का जो है उन्होंने जो है जब वो किया था पूरा वेशभूषा ब्राह्मण पंडितों वाली। तो इसमें गीता में भगवान ने चैप्टर 16 में 17 में कहा है कि हे अर्जुन, जो पूजा पाठ अनुष्ठान दिखावे कैमरे लगा करके स्वार्थ सिद्धि के लिए किए जाते हैं उनके क्षणिक जो है परिणाम होते हैं, अन्यथा वो मन को शांति प्रदान करने वाले और आपके पापों को काटने वाले नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि मोदी जी ने जितनी चाहे वो संसद की वो सेंगोल के साथ पूजा करी थी, चाहे वो राम मंदिर की पूजा, कोई रास नहीं आई। संसद भी लीक कर रहा है, राम मंदिर भी लीक कर रहा है और वहां की राम जी की सीट भी हार गई है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जाते जाते ही बता देता हूं राहुल गांधी के प्रश्न का जवाब देने से पहले कि चंद्रचूड़ साहब 30 सितंबर के बाद कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम पर। वो क्यों करने जा रहे हैं? हाउएवर सीजीआई का टेन्योर 30 सितंबर 2024 से 11 नवंबर 2024 तक चलने वाली जुपिटर की दशा में होगा, जो उनके फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 1 अक्टूबर 2024 से कुछ अच्छे जजमेंट देंगे, जुडिशियल रिफॉर्म पर गाइडलाइन दे सकते हैं और अपनी इमेज को पुनर्स्थापित करके जाएंगे चंद्रचूड़ साहब। ये बात हमारी आप लिख करके रख लीजिएगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये भगवान भला करे, ये देखिए ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप, ठीक है, राहुल गांधी की हॉरोस्कोप जो 19 जून 1970 का जन्म है हम सभी जानते हैं। इस हॉरोस्कोप में इनका इसका लग्न जो है, संजय जी देखिएगा, इसका लग्न जो है अभी गोचर कर रहा है, जो 25 अगस्त को आया था कन्या राशि में और पीड़ित है राहु केतु से। शुक्र जो है कन्या राशि में नीच का होता है। तो ये राहुल गांधी के लिए कंट्रोवर्सी क्यों आई, इसका ज्योतिषी कारण बता देता हूं। हालांकि बातें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट की क्योंकि उसकी मूल हॉरोस्कोप तो एक संत की है, बृहस्पति उसके सूर्य को देख रहे हैं, उसके लगन में बृहस्पति बैठे हैं, सारे त्रिकोण भावों पर उनका प्रभाव है, वो वास्तव में पॉलिटिशियन कम एक संत महात्मा ज्यादा है। दरअसल जब राहुल गांधी ने यूएस यात्रा प्लान की तब उनका लग्न शुक्र नीच का राहु केतु और मंगल से पीड़ित था 12वें भाव में। 12वां भाव होता है अपमान का, ह्यूमिलेशन का। ये एक गुड, अगर कोई अच्छा ज्योतिषी होता तो इस अवस्था में उनको विदेश यात्रा करने के लिए मना करता। मैं होता तो मना कर देता कि राहुल जी अभी मत करिए, बाद में करिएगा। ये यात्रा उनको 18 सितंबर के बाद करनी चाहिए थी, 18 सितंबर के बाद जो आने वाला है। 18 सितंबर से आप देखिएगा राहुल गांधी का फिर से बाउंस बैक शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनका जो है, और क्यों बाउंस बैक करेगा, छठवें घर में इनका ट्रांजिटिंग राहु है जो फिफ्थ लॉर्ड की ट्रांजिट में फिफ्थ लॉर्ड चल रहा है। 18 के बाद लग्नेश वीनस का लग्न में प्रवेश बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल करेगा उन्हें। 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, एक चेतावनी बता रहा हूं। 16 सितंबर 2024 से आने वाली से 16 अक्टूबर तक सावधान रहना पड़ेगा। विचित्र माइंड के रूलिंग पार्टी सत्ता दल, उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र, फर्जी रेट्स, छापे वगैरह आदि जांच एजेंसियों का काम कोई योजना बनाने का कार्य कर सकती है। एक चलते चलते एक और आपको बता दूं, क्योंकि ये आपका जब हमारा प्रोग्राम हो रहा है 15 तारीख को, तो हमारा 16 तारीख को सूर्य राशि बदल रहा है, तो ये इसको हम संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य किसी अगली राशि में जाता है तो पूरे महीने का फलादेश देखा जाता है। तो ये सूर्य राशि बदला 16 सितंबर 2024 को 7:43 पर। तो इस ये दिल्ली का बर्थ है। तो मैं चलते चलते आपको बता देता हूं कि इसमें बहुत सारी बड़े नेताओं के अशुभ समाचार आ रहे हैं। राजा के अकाल मृत्यु, प्रजा के नाना प्रकार के कष्टों का योग बन रहा है और बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए लोगों के इसमें स्कैंडल में फंसने का और त्याग पत्र देने का योग आ रहा है इस कुंडली के अनुसार। एक चलते चलते मैं आज एक विषय और है, उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम से आप लोगों से माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा धर्मशास्त्र, क्योंकि मैंने कर्मकांड के आचार का कोर्स किया तो इसलिए जानकारी है कि हमारे 18 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और श्राद्ध का महत्व क्या है, श्राद्ध क्या है, दो मिनट मैं आपको लूंगा। अपने पूर्वजों का मृत्यु के पश्चात जिनकी मुक्ति नहीं हुई है,
शास्त्र विधि से पूजन करके ब्राह्मण भोजन एवं दान करके हम सम्मान के, ये पितृपक्ष होता है, ये बेसिकली पितृपक्ष भाद्र पक्ष शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन तक मनाया जाता है। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, इसीलिए आपने देखा कनागत कहते हैं, कनागत, कना कहते हैं कन्या का शब्द, बिगड़ते बिगड़ते कना आ गया, गत मतलब है गति, मूवमेंट से गोचर कर रहा है, इसीलिए कनागत भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पितृलोक, पितृलोक चंद्रलोक को पितृलोक कहा गया है, जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक आ जाता है, तो इसलिए माना जाता है कि पितृ हमारे आसपास घूमते हैं 15-16 दिन में। तो जो कोई भी आदमी, आपको पता है कि आपके जब अगर आपका मोक्ष ना हो, कोई अंतिम संस्कार ना हो हिंदू रीति के अनुसार, तो हमारी कुछ योनियों में हम पितृलोक योनि में चले जाते हैं, फिर भटकते रहते हैं, क्योंकि कर्म करने में सक्षम मानव है, इसलिए मानव ही अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता, पितृ नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके संतानों को, उनके लोगों को, उनके लिए निमित्त कुछ करना चाहिए, ऐसी मान्यता है, जिससे उनको मोक्ष मिले। भूलोक के काफी, ऐसी मान्यता है कि इस समय पितृलोक भूलोक के काफी समीप होता है, अतः हमारे पूर्वजों का इस दौरान हमारे नजदीक वास होता है। हमारी हिंदू संस्कृति पुनर्जन्म पर आधारित है, व्यक्ति जन्म लेकर जब संसार में आता है तब उस पर तीन प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, और पितृपक्ष में श्राद्ध करके हम अपने मृत्यु के पश्चात माता पिता व अन्य पूर्वजों का ऋण उतारते हैं। जन्म से लेकर हमारे सामर्थ्यवान होने तक माता पिता नाना प्रकार के कष्टों को उठाकर हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें जीते जी उनकी सेवा करके मृत्यु उपरांत तर्पण या श्राद्ध करके उनकी शांति के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। याद रखें, हमारे पूर्वज यदि प्रसन्न रहेंगे तो हमें भी अपनी संतानों से सुख मिलेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, वे अच्छे संस्कार पाकर एक अच्छे इंसान बनेंगे। हमारे पूर्वज हमें सौभाग्य, धन, दान, अच्छे स्वास्थ्य का भी आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान करना क्या चाहिए, बस पितृपक्ष में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता का पाठ रोज करें, काम क्रोध लोभ लालच से बचें, दया करुणा के साथ संभव हो तो लोगों की मदद करें, ओल्ड एज होम में जाकर वृद्धों के साथ समय व्यतीत करें, वहां संस्थानों को ध्यान दान भी दे सकते हैं। एक छोटी सी पीड़ा बता दूं, एक किसी कॉलर का फोन आया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस संदेश देना चाहता हूं दुनिया के लोगों को। कनाडा से एक सिख फैमिली की वृद्ध 86 बरस की लेडी का मेरे पास कॉल आया। उस कॉल में उन्होंने ये प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि मेरी तो 1936 का जन्म है, मतलब सॉरी 32 का जन्म है, और मैं जो हूँ अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ, मेरा बेटा 20 साल से मुझे बात नहीं कर सकता। तो सिर्फ वो मेरे से अपनी कुंडली ये दिखवाना चाहती थी कि मैं अगर इंडिया का प्रोग्राम बनाऊं, इतने बरसों बाद इंडिया आना चाहती हैं। देखिए, उस वृद्ध महिला को यह लग रहा था कि मेरे प्राण निकले तो अपनी अपनी मातृभूमि पे निकले, शायद वो इसलिए आना चाहती हूँ कि 86 वर्ष में कौन इंसान कब कब चला जाएगा कोई नहीं जानता। तो वो पंजाब में सज्जन रहते हैं और वो उनका फोन तक नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप पे उनको नंबर ब्लॉक कर रखा उन सज्जन ने। तो वो कहती है, उन्होंने मुझसे कहा कि पंडित जी आप ये देख के बताओ मेरी कुंडली से कि मैं अगर इंडिया जाऊंगी तो मेरा बेटा मुझसे मिलेगा। तो मैंने कहा कि, मैंने उनसे कहा कि जरूर जरूर मिलेगा, और बाकी मैंने कहा चिंता मत कीजिए, मेरे पंजाब में बहुत संपर्क हैं और मैं आपके बेटे से मुलाकात कराऊंगा। तो जानती है वो मुझे क्या कहने लगे, संजय जी, वो मुझे वृद्ध महिला ने कहा कि तुसी रब हो, तुसी रब हो। मुझे, मैंने कहा माता जी रब तो एक ही है, मैं रब तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ भगवान का भक्त जरूर हूँ। बस इसने आते हैं, मैं आपको इसीलिए हर प्रोग्राम में अंतिम समय में कहता हूँ। और आपको एक छोटी छोटी एक जानकारी और बता देता हूँ, एक बड़े VIP का केस आया गया था। राजीव, क्या हुआ, अभी मैं दिल्ली से मुंबई फ्लाइट में जा रहा था, तो जैसे ही मैं बैठा, पीछे एक बुजुर्ग से थे, उन्होंने मुझसे नमस्कार किया, नमस्कार संजय जी। तो मैं मुस्कुरा दिया। इस तरह फ्लाइट में बहुत लोग मिलते हैं जो 4PM को जानते हैं। तो वो कर्नल थे, कर्नल जे के मेहता, और 30 साल वो फौज में काम किए थे, उनका बेटा भी नेवी में ब्रिगेडियर है, बड़ी पोस्ट पे है नेवी में। तो मैं 4PM की तारीफ कर रहे, बोले मैं इतवार को सुबह उठते ही, मतलब उठता ही फिर मुझे राजीव जी की बातें सुननी होती हैं। तो मुझसे बोले कि राजीव जी के शो में आप, मेरा कर्नल जे के मेहता जी हैं, उनका राजीव जी से मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। तो मुझे आपकी बातों से उनकी याद आ गई। नहीं, आपको बता संजय जी, जैसा आपका व्यक्तित्व, तो थोड़ा सा भगवान हनुमान जी की भक्ति है बस, मेरे पास तो और कुछ नहीं है। कि आप लंदन में, जब मैं एक परिवार के गया था, वो भी 77 साल के सीनियर सिटीजन थे, उनकी वाइफ 75 साल की थी, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, और वो वहां पर जैसे मैं उनके घर गया हूँ खाने पर, उन्होंने बुलाया था। तो मैं कई लोगों को मैंने बताया आपके प्रोग्राम के जरिए, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। वो कहने लगे कि भगवान हमारे घर आए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे रिएक्ट करें। अरे, मैंने कहा आप क्या बात कर रही है, मुझे भगवान मत बनाइए। मैंने कहा भगवान तो केवल एक ही होता है और हम सब भगवान के बंदे हैं, बस हमारा यही है। तो मैं चलते चलते हनुमान जी की प्रार्थना के साथ प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मो हरौ कलेश विकार, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई। जय श्री राम, जय हनुमान। शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया, थैंक यू। तो इसे राजीव नारायण जी, और आपने सुना कि कितनी जबरदस्त भविष्यवाणी करते हैं, मुझे बताइएगा कि उनकी ये बातचीत आपको कैसे लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you.